हेलो गाइस, मेरा नाम नीलेश सोलंकी है और मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से हूँ। मेरा मारुति सुजुकी में जो ITI कोर्स होता है CTS ब्रांच से, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और 2 साल के लिए। उसमें 2 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग है और 22 महीने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो मैं आपको 2 महीने के जो हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वहाँ कैसी रहना की व्यवस्था कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है, क्या फैसिलिटीज मिलती है, स्टाइप फंड, पढ़ाई के साथ साथ स्टाइप फंड भी मिलता है, वो कितना मिलता है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वहाँ पर जैसे मेरा 21 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग थी मारुति सुजुकी में, जहाँ से मेरी 2 महीने के लिए क्लासरूम ट्रेनिंग शुरू हुई थी। तो वहाँ पर खाना पीना भी बहुत अच्छा है, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सुबह 8 बजे नाश्ता चाय मिल जाती है, उसके बाद में 10 बजे नाश्ता बिस्किट और चाय मिल जाती है, उसके बाद में 12:30 बजे खाना मिलता है और उसके बाद में 4 बजे फिर चाय और कुछ नाश्ता मिलता है और 8 बजे फिर खाना मिलता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है और क्लासरूम ट्रेनिंग में हमें ऑटोमोटिव के बारे में पढ़ाया गया कि किस तरह से कारें बनती है, मतलब उससे रिलेटेड यहाँ पढ़ाया गया है। और बात करते हैं हमारी स्टाइप फंड की, यहाँ पर जब हमारी ज्वाइनिंग थी तब हमारी स्टाइप फंड थी 10,600, जो कि दीपावली के अवसर पर बढ़कर 11,100 हो चुकी है। और जो अभी हमारा स्टाइप फंड आ रहा है वो 11,100 है, जिसमें से हमारे कुछ खाने के पैसे कटते हैं 1,800, तो हमारी पर मंथ स्टाइप फंड 9,304 के लगभग आती है। तो धन्यवाद।